तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो इन्वर्टर है सेम वही जो हमने जो वीडियो बनाई थी पुरानी, वही वाला सर्किट इसमें लगाया हुआ है, पूरा सेम सर्किट है। बट इसमें जो चेंजेस हैं वो है, ये देखिए मॉस्फेट ये देख रहे हैं आप, इसमें लगा हुआ है IRF 3710, ये आपको दिखाई दे रहा हो ठीक है। इसमें ये IRF 3710 मॉस्फेट हमने लगाया है, उस वाले में हमने P55 IRF 3205 Z44 वगैरह लगाए थे, लेकिन इसमें हमने चेंजेस किए हैं ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, वही है सेम, ये वाले जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस लगाए 200 ओम का, ये 100 ओम का, और ये हमारे बाय निकले हुए हैं जो हमारे जो 12:00 की कॉल होती है उसमें लगाए जाते हैं, ये आपका कॉल के लिए भी है। तो ये सिंपल है काफ़ी, सेम वही प्रोसेस लगा हुआ है, कुछ भी अंतर नहीं इसमें। तो इसमें हम चेंजेस अब करने वाले हैं हम, तो सबसे पहले हमें इसमें एक फैन लगाना होगा ठीक है। ये हम फैन लगाने वाले हैं 12 वोल्ट 0.18 एम्पीयर ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको हम बाद में लगाते थोड़ा रुकिए। इससे पहले सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर लगाना है, ये हमारा फेराटेको ट्रांसफार्मर जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था, आपने देखा ही होगा वो वाली वीडियो, शायद देखनी है तो देख लीजिए ठीक है, ऊपर देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ यहाँ पर, ये आपको तो दोस्तों इसकी जो वायर है ये आपको यहाँ पर लगाना है ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों इसको तो मैंने लगा लिया है, ये देख सकते हैं ये वाला जो वायर है जो उसका ग्राउंड का, ये वाला जो उसका गेट ड्रेन पिन है और जो उसकी ड्रेन पिन है, दोनों को कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। और जो उसकी जो हमारी जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पर, जो हमारा गेट पिन से लगा हुआ है, इसका जो गेट पिन है इसको मैं यहाँ पर लगाना है, और जो उसका है वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैं लगा लेता हूँ दोनों को। तो दोस्तों इसकी जो वायर है वो हमने कनेक्ट कर ली है, ये देखिए ये वाले इसके मैंने लगाया हुआ, इसकी जो ड्रेन पिन है और इसकी ड्रेन पिन, इसकी ड्रेन और इसकी गेट, इसकी गेट, इसकी ड्रेन ठीक है, ये कंप्लीट। तो काफ़ी पावरफुल इन्वर्टर बना रहे हैं हम इससे, क्योंकि ये 3710 ये मॉस्फेट है, ये आपका 100 वोल्टेज समथिंग 58 एम्पीयर का ये मॉस्फेट है हमारा। तो जो अब इसकी बारी है, तो सबसे पहले अब हमें एक कैपेसिटर लगाना है, इसमें कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ये देखिए 450 वोल्ट का 330 UF का कैपेसिटर है, और ये हमारे पास रेक्टिफायर है। तो इसको हम इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं, ये इसको माइनस को होता है और ये इसका प्लस, तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुकी हैं ये वाली पिन हमारी। अब जो इसके ये वाले आपके इनपुट के बारे में ठीक है, तो दोस्तों ये कनेक्ट, अब इसमें हम वायर भी लगा लेते हैं दो तार, जिससे हम ट्रांसफार्मर की आउटपुट पर लगा सकें। तो ये वाले तार आपको यहाँ पर लगाने होंगे, एक आपको मैं बता दिया आपको, दो बीच वाले जो वायर बची थी वो आपके इनपुट के लिए होती हैं ये वाली, सबसे पहले इसको हम बाद में लगाएंगे। तो इसमें हम पहले इसमें हम एक ब्लैक वाला जो ये वाला है ये वाला वायर जोड़ते हैं, बाद में परेशानी ना पड़े। तो ये मैंने कनेक्ट कर ली, ये प्लस का वायर है आपका जो 12 वोल्ट बैटरी के लिए लगाया जाएगा। अब बारी इसमें फैन की है ठीक है, ये वाला फैन, तो इसकी जो फैन के वायर हैं वो भी हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये वाला फैन का वायर है ये दोनों, तो इसके एक आपको वायर यहाँ पर लगा देते हैं, एक आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है जो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले प्लस पर। तो दोस्तों ये जो फैन के वायर थे वो तो हमने यहाँ पर लगा लिए हैं यहाँ पर। तो अब हमारे इस जो कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर के वायर आपको यहाँ पर लगा लेने, इसकी जो आउटपुट होती है यहाँ पर
यहाँ पर, तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कंप्लीट, चलिए इसको चालू करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है अभी पूरी तरीके से। यानी मैंने ये वाली मॉस्फेट इसमें ये यू किए थे, ये इसलिए यू किए थे क्योंकि ये 37 IRF 37 मॉस्फेट है, ये आपके मैंने इसमें पहले बनाया था सर्किट, ये आपके हीट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और इसका जो आउटपुट था ट्रांसफार्मर का वो काफ़ी, जो हमने IR3205 लाया उससे काफ़ी बेटर निकल रहा था, इसलिए मैंने ये वाले मॉस्फेट यूज किए थे कि मैं सोचा थोड़ा इस पर भी वीडियो बना देता हूँ। वैसे मैंने ये वाला सर्किट बनाया हुआ था, मैं इसको इसी में लगाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा सिंपल ही बेटर रहेगा, लोग फिर आप सोचोगे कि क्या यार इसमें सर्किट लगा दिया, फिर इसमें ये नहीं लगाया मैंने। वैसे मैं इसी पर काम कर रहा था, ये भी 300 वाट का इन्वर्टर था ये वाला। चलिए इसको चालू करते हैं। मॉस्फेट बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, तो इसमें करंट तो पूरी तरीके से काम हो चुका है। चेक करते हैं करंट को, तो देखा आपने करंट इसमें काफी हैवी हो गया था। दोस्तों आप इसमें 7 AH से 60 AH की बैटरी यूज कर सकते हो, ज़्यादा आपको इसमें हैवी बैटरी नहीं लगानी है, ठीक है। तो इससे अब हम 300 वाट चेक करते हैं, तो ये देख सकते हैं 300 वाट भी अच्छी तरीके से चल रहा है इसका, देख सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आगे। दोस्तों आपको इसमें ये वाले कैपेसिटी यूज करने पड़ेंगे, ये वाले 224A का, अगर आप ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाते हो आपको ये वाला नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट इसके करंट चलाना है, आपको ये वाला लगाते हो तो ये वाला नहीं लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए